और उस 11 रुद्राक्ष के दाने को वो अपने कलाई में धागे में डाल के और धारण कर लिया। उसके पीछे उनकी मनसा यह थी कि मैं शिव का शिष्य हूँ तो मैं हाथ में रुद्राक्ष पहनूंगा, लोग देखेंगे और कौतूहल पैदा होगी और मेरे महादेव का बात होगा। उसी समय एक घटना घटती है, आप लोगों के लिए ऐसे कहानी हो सकती है, हमारे लिए सत्य है। उसी समय जब वो अपने सरकारी आवास के बरामदे में हाथे के अंदर बैठे हुए थे तो उनके मेन गेट का दरवाजा कोई आदमी आया और खोलने लगा। मेन गेट बहुत ऊंचा था, तकरीबन 10 फीट से भी ज्यादा बड़ा गेट होता है अक्सर लोगों के हाथे का मेन गेट। और वो व्यक्ति जो दरवाजा खोल रहा था वो इतना लंबा था कि बाहर से ही हाथ डालकर और अंदर से लगे हुए दरवाजे में जो हस्कल होता है उसको बाहर से हाथ डालकर उतना ऊंचा गेट को और अंदर में खोल रहा था। और जब वो दरवाजा खोला, सामने आए बड़े ही गुरु भ्राता अपने बरामदे में बैठे। बड़े गुरु भ्राता ने हाथ जोड़कर अनायास प्रणाम किया। वो आए साधु आधा धोती पहरे हुए आधा ओढ़े हुए। इनके बगल में बरामदे में सरकारी आवास में एक चौकी बाहर लगी होती है, चौकी लगी हुई थी, इन्होंने इशारा किया बैठिए। चौकी पर वो बैठे और बैठते ही उन्होंने इनसे पूछा, हरिंद्र ये क्या पहरे हो? इन्होंने कहा रुद्राक्ष है। फिर उस साधु ने पूछा, महादेव रूपी साधु ने पूछा, कितना दाना है? इन्होंने कहा 11। उस साधु ने पूछा 11 ही क्यों पहरे? इन्होंने कहा मेरे पास 11 दाने ही हैं तो क्या करूं? साधु अपने गले की माला तोड़ता है और उसे एक दाना रुद्राक्ष निकाल कर इनके हथेली पर रख देता है और कहता है कि अपने 11 दाने के कंगन को 12 दाना बना लो और तब धारण करो, ज़्यादा अच्छा होगा। यह कहता हुआ वो साधु निकल जाता है। फिर उसी तरह बाहर से ही हाथ डाल के और दरवाजे को बंद करता है। इनको बड़ा विस्मय हुआ कि आखिर इतना बड़ा दिव्य मानव आदमी कौन है? ये झट बाहर निकल के सूरत देखना चाहते हैं और चारों तरफ सरसरी निगाहों से देखा इन्होंने और वो व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया। दरवाजे से बाहर होते ही वो विलुप्त तो हो गया। वह तो आए थे अपने काम करने के लिए कि इनके हाथ में 12 दाने का रुद्राक्ष हो ताकि 12 दाना इस व्यक्ति के मानसिकता की भी रक्षा करे, फिर शिष्यता की भी रक्षा करे और इनके स्वस्थ मन को दूसरों के दिल में शिव गुरु को उतारने का कौतूहल भी पैदा करता रहे। हमारे मन में यह विचार पैदा हो कि महादेव मेरा गुरु है, बोली में नहीं, विचार में ही नहीं, मन में यह भाव पैदा हो जाए कि महादेव मेरा गुरु है, शिष्य भाव की विधा जो है उसमें यह जरूर व्यक्ति के मन में यह भाव गहरा होना चाहिए कि प्रथम सूत्र में हे शिव आप मेरे गुरु हैं, इस धरातल पर उसका मन इस भाव के पकड़ में आ जाए कि महादेव मेरा महादेव। और जब ऐसी पकड़ में उसके मन में आ जाएगी कि मेरा महादेव है तो वह गुरु की दया जो है उसके लौकिक और पारलौकिक मतलब संसार जो दिखाई देता है नजरों से, पारलौकिक मतलब संसार के परे जो हमको इन नजरों से दिखाई देता है, जैसे वो शिव का शिष्य हो जाता है, जैसे उसका मन समझ जाता है कि मेरा महादेव है, अब उसके जीवन में जो उसकी सोच में है इतना होना चाहिए, उसको इतना होना चाहिए,
उस संसार के सोच से भी परे जाकर उसको महादेव की दया संसार का भी सुख देती है और पारलौकिक दुनिया में चलने का रास्ता भी मेरा महादेव है यह मन समझ लेता है तो उसको मिल जाता है, यानी जगत का भी सुख भोगता है और जगत से चलने का रास्ता भी उसको प्राप्त होता है। यही है चरम उत्कर्ष, यानी सबसे शिखर पर बैठी हुई जो उसकी सोच है उस सोच के परिधि में महादेव जब मेरे गुरु होंगे तो उसको दया करेंगे और वहाँ तक पहुँचाते हैं, ले जाते हैं। अरे भैया जब शिव गुरु हो जाएंगे तो लौकिक दुनिया में भी हमारी क्या चाहत होगी कि कैसे ही महादेव मेरे गुरु हो जाए, महादेव को कोई बुरा ना लग जाए, महादेव को कोई गलत ना लगे, महादेव को जो अच्छा लगे वही करेंगे, तो लौकिक भी हमारी चाहत तो सिद्ध ही हो गए ना। पारलौकिक भी चाहत शिवी है कि वो मेरे गुरु हैं, तो चरमोत्कर्ष हो गया ना, सबसे ऊंचाई का सोच का परिणाम हो गया ना। जगत में कुछ और डिमांड रहा नहीं, मेरा महादेव है यही डिमांड है। रोटी कपड़ा मकान तो साहब हरिंद्रानंद जी ने पूरे मृतलोक पर आशीर्वाद महादेव से दिलवा दिया है कि शिव के शिष्य अगर महादेव का काम ईमानदारी से करते हैं तो उनको दो रोटी एक कपड़ा और एक छत का कमी इस मृतलोक पर नहीं होगा।